हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3.3 का जो कुछ शेष रह गया था क्वेश्चन, आज उसे देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन आगे का। एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स का ही है, एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी बुक्स। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका था, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स, सो दैट द मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इक्वल, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1-1, 5-1, 1-5, 1-1, 2-1, 1-2, 1 और 5-1, 3 इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स इसे शो करके दिखा रहा है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए प्रॉपर्टीज कुछ ध्यान में रख लीजिएगा नोट में। साइमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल ए ट्रांसपोज की इक्वल में होता है, साइमेट्रिक प्रॉपर्टीज है ये ध्यान में रखिए। सेकेंड है एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ए इक्वल माइनस ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए होती है। क्लियर है यहाँ फर्स्ट और सेकेंड, एक फार्मूला है प्रॉपर्टीज का उसे भी जरा सा ध्यान रख लीजिएगा। सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये है इसका फॉर्मूला। बॉक्स में मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे हमें शो करके दिखाना है कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। क्या है साइमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज? ए इक्वल ए ट्रांसपोज, डैट मीन्स इसका ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे दोनों इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो चलिए आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। गिवन मैट्रिक्स क्या है? गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल 1-1, 5-1, 2-1, 5-1, 3 और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो है इसे कॉलम की ओर करेंगे 1-1, 5-1, 2-1, 5-1, 3। क्लियर है? अब देखिए यहाँ ए इक्वल ए ट्रांसपोज आया, देख लीजिए ए की वैल्यू और ए ट्रांसपोज सेम है ट्रांसपोज करने के बाद भी, सो इसलिए इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर समझ में आया होगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। आप प्रॉपर्टीज को जरूर नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1-5-6-7, 1-5-6-7 ये मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेरीफाई दैट फर्स्ट नंबर में क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक
इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड ऑप्शन है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, ये क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है आपके पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ साइमेट्रिक, एक दिया हुआ है। तो गिवन मैट्रिक्स आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये पहले यहाँ पे दर्शा दिया जाए, 1 5 6 7, और इसका एक ट्रांसपोज निकाल जाता है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम, ये ट्रांसपोज। अब ये निकालेंगे, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास ए, इसको हम पुट करके कुछ नाम रख लेते हैं, बी इक्वल रख लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 1 5 6 7, क्लियर है, और ए ट्रांसपोज कितनी है, 1 6 5 7, दोनों को ऐड करते हैं, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 5 में फिर 6 को ऐड कीजिए, 11, 6 में 5 को 7 7 40, ये बी की वैल्यू है। अब हमें इसका ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो निकल गया, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो रिजल्ट आएगा ना, वो क्या आना चाहिए, साइमेट्रिक। तो ये रिजल्ट आ गया, तो साइमेट्रिक है कहाँ, तो ये वाला जो रिजल्ट है अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी बी है इसका नाम रख दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का क्या आप नाम रखे हैं, बी। अब बी का ट्रांसपोज करेंगे, तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या है, यही ना है बी का रिजल्ट, इसे रो है तो इसे किस में लिखेंगे, कॉलम में, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम, देख लीजिए, सॉरी इसलिए बी इक्वल बी ट्रांसपोज, देखिए बी की वैल्यू ही बी इसका ट्रांसपोज किए फिर भी सेम यही आया, तो क्या हो जाएगा, इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। जरूर समझ में आया होगा। सेकेंड नंबर लेकर के चलते हैं कि अब एसक्यू साइमेट्रिक है कैसे, चलिए तो इसे आप जरूर नोट कर लें। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर भी इसका पुट कर लेते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्लियर है, बी वैल्यू निकालते हैं, तो ए कितना है प्रेजेंट, सो देखिए 1 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज आप यहाँ निकाल चुके हैं, 1 6 5 7, अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, सो देखिए माइनस करना है, 0 5 में -1 6 में -5 तो 1 7 0, ये रिजल्ट आपका आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिखना और 1 0 हो गया, सो आइए इसलिए अब इस 4 SQ साइमेट्रिक का क्या रूल होता है, 4 SQ साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रूल है, आप प्रॉपर्टीज को अभी जस्ट लिखा है उसे समझिए, फॉलो कीजिए, ए इक्वल माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी, तो बी इक्वल क्या होना चाहिए, या माइनस बी ट्रांसपोज की इक्वल होना चाहिए, तो बी की वैल्यू कितना है, जरा सा देखिए, बी आप निकाल चुके हैं, 0 -1 1 0 इक्वल माइनस, अब बी ट्रांसपोज कितना है, 0 1 -1 0, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 -1 1 0 माइनस करेंगे तो 0 -1 1 0, देखिए दोनों इक्वल आ गया माइनस करने के बाद, तो इसलिए इसलिए क्या हो गई, ये एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जरूर समझ में आप लोग को आया होगा, सेम एकदम आसान क्वेश्चन, इस तरह से आप आसानी से बनाइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आप पढ़ लीजिएगा इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ
साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या फार्मूला था, उस पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है, उस पर बैठा करके आपको चर्चा करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या है, 3, 5, 1, -1। तो पुट करके इसका कुछ नाम रख दिया जाए, रो है तो यहाँ कॉलम रो में ही ट्रांसपोज नहीं करना, इसका नेम रखा गया है, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, क्लियर है। अब सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको जरा सा ध्यान में रखिएगा क्या करना है। तो 1/a + a ट्रांसपोज + 1/2a - a ट्रांसपोज, ये सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है। तो इसे हमें क्या करना है, पहले ट्रांसपोज करना है, रो है इसे कॉलम में लिखना है, क्लियर है। अब लिखेंगे दी सम ऑफ साइमेट्रिक एंड एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2a + a ट्रांसपोज + 1/2a - a ट्रांसपोज। 1/2 को रहने दीजिए, यहाँ a कितना है ब्रैकेट्स में ही कीजिए, ये आपके पास प्रेजेंट है यहाँ 3, 5, 1 - 1 प्लस a ट्रांसपोज कितना है 3, 1, 5 - 1, क्लियर है, प्लस 1/2 ब्रैकेट्स में रखने दीजिए इसको। फिर इसे करेंगे a कितना है 3, 5, 1 - 1 - a ट्रांसपोज 3, 1, 5 - 1, तो 1/2 अब ऐड कर दीजिए 3, 3, 6, 5, 1, 6, 1, 5, 6 - 1 - 1 - 2 प्लस 1/2 इसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0, 5 - 1, 4, 1 - 5 - 4 -1 - -1 + 1 तो 0। ये आपका सम ऑफ साइमेट्रिक, यहाँ से आप 1/2 में मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ तक भी छोड़ दीजिए। तो चलते हैं अब 3.3 एक्सरसाइज लेसन कंप्लीट हुआ, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिखिए, और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो आप व्हाट्सएप पर भेजिए, हम उसे सॉल्व करके भेजेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं लेकर के 3.5 की। थैंक यू।